नमस्कार, आपका स्वागत है। और ये छोटा सा वीडियो, क्योंकि नेपाल ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, और शुरू से जो मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से समझाया था कि नेपाल में भी अब काउंसलिंग होती है, और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमने किसी को भी कॉलेज पर प्रॉमिस नहीं किया था। मैंने सबसे कहा था कि फॉर्म भर लो, और अब जब एक्शन का टाइम आया है तो हम उनको सेम डिस्काउंट दिलवा रहे हैं जो दो महीने पहले दिलवाया था। लेकिन ये भी बता के चलते हैं कि जब आप काउंसलिंग वाले दिन जाओगे तो हो सकता है कि आपको वो सीट ना मिले जिसके लिए आपने माइंडसेट बना रखा है। तो बी ओपन। और हम जब अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं तो यही कहते हैं कि तीन चार ऑप्शन लेके चलिए, आपको कोई भी एक मिल जाएगी, और जो भी मिलेगी उसमें आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप डिस्काउंट हम दिला देंगे। और अगेन, सबसे पहली बात है, जो इम्पोर्टेंट बात होती है, कि दो तरह की सीट होती है। नेपाल में तो जिन लोगों ने पेपर लिया था वो कैटेगरी वन में आते हैं, और उस टाइम मैंने कई लोगों से कहा था कि पेपर ले लो सेफ्टी के लिए, तो एक दो नाराज भी हो गए थे। और मैंने समझाता जी पेपर लेना कंपलसरी नहीं है, इट वाज नेवर कंपलसरी, इट वाज बेसिकली ऑप्शन। तो सिर्फ 40 बच्चे शायद हिंदुस्तान से पेपर पास किए, और मुझे बड़ा गर्व के साथ कहना पड़ रहा है उसमें से दो बच्चे मेरे हैं, और वो दो बच्चे ऐसे थे तो जस्ट नीट क्वालिफाइड थे, तो उनके लिए मुश्किल था हिंदुस्तान में अच्छा कॉलेज मिलना। पर दोनों ने जाके नेपाल का पेपर दिया, दोनों नेपाल के पेपर में क्वालिफाई हुए, क्योंकि हमने वो जो ऑनलाइन कोचिंग दिलाई थी। स्टूडेंट्स का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने बोला 35 में से दो हमारे हैं, और अब दोनों को कन्फर्म नेपाल मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों बच्चों की काउंसलिंग, या वो जो 35 बच्चे थे जिन्होंने नेपाल का पेपर पास करा है, उनकी काउंसलिंग 6 अक्टूबर को है। सो 6 अक्टूबर को सिर्फ उनकी काउंसलिंग है जिन्होंने नेपाल का पेपर दिया था, और अब उनका बिल्कुल मन का कॉलेज, तो बेसिकली हर बंदा मणिपाल ही चाहता है, जिसके पास बजट है 75 खर्च करने का, टू गेट द बेस्ट कॉलेज, दे बोथ आर गेटिंग मणिपाल। मतलब उनके पास ऑप्शन है, नेपाल में जिस मर्जी कॉलेज में हाथ रखे उनको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने पेपर दिया था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो मैं दो महीने से आपको समझाता था, कई लोग मेरा वीडियो सुन के, एक दो लोग नाराज भी हुए, क्योंकि बाकी कंसल्टेंट्स कह रहे थे कि पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऑप्शन थी, और ऑप्शन का ये फ़ायदा हुआ कि आपको मन की सीट मिलेगी। और जिसने पेपर नहीं दिया वो जाएगा अब, तो 6 अक्टूबर को आपको पहुंचना है, सेम काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग, जिसने पेपर नहीं दिया, और जिसने पेपर दिया है, जिसने पेपर नहीं दिया उनका जो डेट्स हैं वो है 27, 28, 29 अक्टूबर एज ऑफ नाउ, तीन दिन चलेगी। उनकी एक रैंक आने वाली है जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया था, और सेम रैंक के बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा। तो 27 अक्टूबर रैंक 1, 2, 3, 50 जिन्होंने नेपाल का फॉर्म भरा है बेसिकली और पेपर नहीं दिया था। फिर 28 अक्टूबर होगा 350 to 700। तो भाई अगर आप 180 मार्क्स वाले हैं, 190 मार्क्स वाले हैं, आपने पेपर नहीं दिया, तो समझ लीजिए आपकी रैंक 700 में आएगी। तो शायद आपको काठमांडू का या लुम्बिनी या मणिपाल नहीं मिलेगा, और आपको वो जो नेपाल के बचे हुए कॉलेज हैं, देवदा या नेशनल मेडिकल कॉलेज, वो सब मिलेंगे। और वही मैंने आपको शुरू से कहा था कि अपना माइंडसेट वैसा रखिए। तो जिसके नंबर कम थे, जो मैं हमेशा कहता था कि अगर आप 180-190 वाले हैं, 200 वाले हैं, बैकअप के लिए बेटर है कि आप नेपाल का पेपर दे दीजिए, ताकि आप फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएं और मन का कॉलेज मिले। अभी भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर शुरू से जो मैंने क्लाइंट्स को बोल रखा है, जो 200 नंबर वाले थे और जिन्होंने पेपर देने की मेहनत नहीं करी, कि भाई आपको कुछ भी लेने के लिए तैयार रहना है, तो कोई भी आपको प्रॉमिस कर रहा है कि KMC मणिपाल, KMC काठमांडू पक्का मिल जाएगा, किस्ट पक्का मिल जाएगा, लुम्बिनी पक्का मिल जाएगा, भगवान करे आपको मिल जाए, लेकिन मिलेगा काउंसलिंग से। और आपसे ज़्यादा मार्क्स वालों ने अगर नेपाल का फॉर्म भर के उस दिन पहुँच गए, तो कोई आपको ज़बरदस्ती गारंटी नहीं दिला सकता। देखिए, अगर आप 400 प्लस वाले थे, एक एक्चुअली हमारा कॉल आई थी जो फिर नाराज़ हो रहे थे कि 400 प्लस वाले को तो कुछ ना कुछ मिल ही जाए, क्योंकि वो तो डेफिनेटली रैंक टॉप में होगा। कमाल की बात यह है कि जब 400 प्लस थे तो भाई इंडिया में ले लेते ना 70 लाख में यूपी, नेपाल में जाके भी 60 खर्च करने वाले, मैंने तो उनको ये समझाया था, खैर, बट उनके लिए वो 10 लाख 15 लाख भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। एनीवे, तो जो 400 वाला उसको तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप 200 की रेंज में थे, बेटर था कि आप पेपर देते थे। वही मैंने आपको एनकरेज किया था 2-2.5 महीने पहले। और फिलहाल आप मन में ये सोच के रखिए कि आपको कुछ भी मिल सकता है, उसके हिसाब से आप उस माइंडसेट से जाइए, और उस माइंडसेट से जाकर भी जो भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं वो हमारी टीम वहाँ मौजूद रहेगी, वो आपको हेल्प करके दिलवा सकती है। अगर इंडिया की काउंसलिंग 25 अक्टूबर तक ख़त्म हो गई, वैसे तो होनी नहीं स्टे, तो उसके बाद होने हैं, लेकिन मुझे अगर समय लगा, मौका लगा, तो जैसा मैंने कहा फ़िलहाल 27 तारीख की डेट है, तो हो सकता है कि 26 तारीख को मैं भी काठमांडू पहुंचूं, अगर हमारा इंडिया का सारा काम 25 तारीख तक, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, सबका काम हो गया, क्योंकि नेपाल जाके फिर वो 4 दिन का कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो
तो सीधी सी बात है कि 26 अक्टूबर तक सब बच्चे फ्री हो गए, तो आई माइट बी देयर, अदरवाइज मैं नहीं पर मेरी टीम नेपाल में ज़रूर रहेगी आप लोगों की लास्ट मोमेंट पे हेल्प करने के लिए। और अभी भी जिन बच्चों ने नेपाल का फॉर्म भरा हुआ है और वो चाहते हैं हमारी मदद करना लेना, खासकर जिन्होंने खुद भरा है, टू गेट द बेटर ऑप्टिमल सीट एंड फुल सपोर्ट इन द नेक्स्ट 5.5 ईयर्स, क्योंकि हमारे पास रिलायबल पार्टनर्स हैं नेपाल में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर जानते ही 9643-62320। हमारा सर्विस चार्ज 50,000 रुपये रहता है नेपाल के लिए या स्टडी अब्रॉड के लिए, और हम उस दिन भी आपकी मदद करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप डिस्काउंट अभी भी मिल जाए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है अगले 5.5 साल की हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट इन नेपाल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।